जिसमें सामने प्रस्तुति थी उससे हमको दुख हुआ था, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमने बहुत मेहनत करी, राहुल गांधी जी ने जितनी मेहनत करी और आज से नहीं 5 साल से वो मेहनत चल रही है और उस मेहनत का कुछ परिणाम मिलना चाहिए हमारे लोकतंत्र के लिए। अगर हमारे लिए निजी कोई लाभ ना हो लेकिन लोकतंत्र के लिए अवश्य हमें कुछ उसमें मेहनत का कोई वो मिलना चाहिए। लेकिन अब 2 दिन तक वही चलता रहा कि आप कहीं नहीं हैं, आप कहीं नहीं हैं, तो उसको देखकर हमारा मनोबल बढ़ा है, हिम्मत बढ़ी है कि जो अब निर्णय आ रहे हैं सामने, जनता के निर्णय हैं, उस वो निर्णय ये नहीं कह सकते हैं कि जनता को हम में भरोसा नहीं है। अब वो गिनती कितनी आती है, कहाँ तक रुकती है, कहाँ तक पहुँचती है, वो आपको अगले 2 घंटे में पता चल जाएगा। यूपी में आप लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, इंडिया लाइंस ने खासतौर पर, राजस्थान में आप लोगों की तरफ से, आप किसको उसका श्रेय देना चाहेंगे? क्या जो वहाँ की रीजनल पार्टीज हैं आप उनको उसका श्रेय देंगे या कांग्रेस पार्टी? देखिए, इस पर बैठ कर बात हो सकती है और हमको वो उदारता, जिस उदारता प्रियंका जी के पास चलेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस समय मौजूद है। प्रियंका जी, जयराम जी ने कहा था जब एग्जिट पोल आया था कि एक मेंटल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, अब थोड़ा मेंटल प्रेशर कम हुआ है क्या रुझानों को? मुझे लगता है कि जिस तरह कल एग्जिट पोल आया है उसके बाद सबने ये कह दिया था, चाहे वो हमारे गठबंधन के साथी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, उन सबने कह दिया था कि एग्जिट पोल किसी तरह से भी जो वर्तमान स्थिति उससे मैच नहीं करते। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ऑफिस खाली हो रहे हैं, थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो जाएगा कि वो हार रही है। आज जनता के मुद्दे जीत रहे हैं, जनता के मुद्दे जो महंगाई है वो उसके खिलाफ वोट किया है जनता ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो निरस्ता दिखाई है भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ वोट किया। हकीकत ये है कि जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई और किसानों की समस्या मुंह फाड़े खड़ी हुई थी, पर भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को एड्रेस कर रही थी? वो मुद्दे बेबुनियाद थे। हकीकत ये है कि वो मुद्दे मर्यादा से जो है नीचे चले गए। आप बुनियादी मुद्दों की बात करें, प्रवीण जी भी हमारे साथ है। प्रवीण जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को उत्तर प्रदेश में अभी तक जो रुझानों में नुकसान देखने को मिल रहा है, क्या उसके कारण हैं? क्या जो कैंडिडेट सिलेक्शन था या एंटी इनकम्बेंसी थी या जो कैंडिडेट्स उतारे गए थे उनका व्यक्तिगत विरोध था? क्या लगता है आपको कारण क्या था जिसके चलते यहां पर हम देख रहे हैं कि रुझानों में इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को बढ़त मिलती हुई दिख रही है? अनुपम जी देखिए, 10 साल से सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। एंटी इनकम्बेंसी वैसे ऐसी इस तरीके से दिखाई नहीं दे रही थी ग्राउंड के ऊपर कि बहुत आपको आप जनता में विरोध हो, लेकिन जो कैंडिडेट सिलेक्शन था जरूर उसके ऊपर देखिए उसके ऊपर आक्षेप लगता रहता है। 4-5 लोग टिकट मांग रहे होते हैं हर सीट के ऊपर, उसमें से टिकट किसी एक को मिलना होता है, तो वो भी आप इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता है कि आप कोई दागी कैंडिडेट ना हो तो ऐसे उसमें इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता है। लेकिन जैसे ये रिजल्ट आ रहे हैं सर, चुनाव की ये वोटिंग होती है वो पॉकेट्स के हिसाब से होती है कि आप इस विधानसभा की सीटें खुल रही हैं और विधानसभा में भी स्पेसिफिक एरियाज होते हैं कि उन एरियाज की सीटें काउंटिंग हो रही होती है, तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा। ये 2-3 बजे तक ऊपर नीचे होगा, लेकिन 3 बजे के बाद जो रुझान होंगे वो बदलते कम दिखाई देते हैं। लेकिन कैंडिडेट का सिलेक्शन चाहे इंडिया गठबंधन का हो चाहे एनडीए का हो, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि 2014-2019 इन दोनों लोकसभा के चुनाव को जब हमने देखा था तो इन दोनों में ये देखा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि भाई मोदी और योगी के नाम पर उत्तर प्रदेश में आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए जिसको लोग जानते भी नहीं हो, वो चुनाव जीत जाएगा, ये लहर है या ये वेव है? ऐसी 2024 में स्थिति नहीं दिखाई दी अनुपम जी? 2014 में देखिए देश त्रस्त था, UPA 2 के कार्यकाल में जो गड़बड़ घोटाले हुए थे वो उनके कार्यकाल के अंदर ही खुल गए थे, तो इसमें देश त्रस्त था। 2014 और 2019 वाली बिहार तो इस बार थी नहीं, लेकिन सरकार के खिलाफ में ऐसा कोई मोर्चा ये भी नहीं था कि हमें सरकार से कुछ दिक्कतें हैं। देखिए ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर सरकार से रुष्ट रहना, सरकार से मांग करना अधिकार होता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं दिखाई दे रही थी। तो ये जो चुनाव, रोहित जी एक रिएक्शन बसपा के लिए, बसपा कहीं दिख ही नहीं रही है, कोई उनका नाम ही नहीं ले रहा है। ये उन्होंने मतलब त्रिकोणीय चैलेंज हर जगह पर बना, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर त्रिकोणीय चैलेंज बना, लेकिन बसपा का नामो निशान नहीं है। किसका खेल बनाया, किसको नुकसान पहुंचाया? देखिए बहन जी ने वंचितों और समाज में अंतिम व्यक्ति की चिंता करना छोड़ दिया, और पिछले 10 सालों में माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अनवरत प्रयास किया। निश्चित रूप से समाज का अंतिम व्यक्ति, दलित, पिछड़ा, वंचित, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आया है, और निश्चित रूप से रुझानों को और स्पष्ट होने दीजिए, यह पता चल जाएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार एक सशक्त और जनता की प्रेमी सरकार का गठन निश्चित रूप से होगा।
क्या लगता है प्रभात जी, जिस तरीके से अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार, ये जो स्लोगन्स थे या ये सारी चीजें थी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ग्राउंड पर जब इन चीजों का इफेक्ट था वो कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ इसमें ओवर कॉन्फिडेंस भी जुड़ गया था और उसका भी कुछ आफ्टर इफेक्ट देखा गया? नहीं, निश्चित तौर पर अनुपम जी आपने देखिए, मैं यही बात करने जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या था उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर, कि जो भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट था, पन्ना प्रमुख और बूथ मैनेजमेंट, जब आपने ये 400 का नारा दिया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बूथ मैनेजमेंट, बूथ से वोटर को ले जाने के लिए जो बूथ मैनेजमेंट कमजोर हुआ इनका, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जो नारा आपने दिया चाहे 80 पार का या 400 पार का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, वो जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया और जो मुद्दे थे, जो ज्वलंत मुद्दे थे, वो ज्यादा हावी हुए। और मैं फिर एक बार इस चीज को नहीं मान सकता हूं कि परिणाम ये होंगे, परिणाम फिर चेंज होंगे, रुझान है ये, मैं इसको मानता हूं। आज अगर रुझान के आधार पर समीक्षा की जाए तो अच्छा इंडिया गठबंधन कर रही है, लेकिन परिणाम जब आएंगे। बिल्कुल प्रभात जी, बड़ी खबर यहाँ पर आ गई है, इस वक्त हम आंकड़े दिखा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर न्यूज 18 पर आप तस्वीर देखिए 543 सीटों की, जो तस्वीर यहाँ पर उभर कर सामने आ रही है कि आखिर क्या तस्वीर 543 सीटों पर, आप देखिए 543 की सीटों का यहाँ पर 2024 का दंगल कहाँ पर नीला रख है और कहाँ पर याद है मुझे अनुपम, 2014-2019 में ये स्क्रीन पूरी भगवा रंग की हुआ करती थी, जिसमें आज आप दो रंग देख रहे हैं। ये एक समय पर सिर्फ और सिर्फ भगवा लहराते थे, लेकिन ये बात वाकई में चौंकाने वाली और हैरान करने वाली है कि एग्जिट पोल ने जो रुझान दिखाए, जो नतीजे बताए, जो अनुमान लगाया, उसके बिल्कुल विपरीत नतीजे जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ एक पर्टिकुलर रीजन की बात करें, सभी राज्यों में देखें तो बनस्पत आप देखिए, चाहे बेंगलुरु उत्तर, भागलपुर, बैतूल, यहाँ पर आप देख लीजिए, पीलीभीत देख लीजिए, सोलापुर, चंदौली, ये तमाम उत्तर प्रदेश या अलग उत्तराखंड के अलावा भी अलग अलग राज्यों में 543 की ये सीटें जिस तरीके से है, तो ओवरऑल फिगर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है कंचन। बिल्कुल, पिछली बार कई राज्यों में क्लीन स्वीप था, सुपड़ा साफ था विपक्ष का, ऐसा इस बार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हम बिहार की बात कर लें, हम राजस्थान की बात कर लें, हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, इन हर राज्यों में क्लीन स्वीप की दिशा में नहीं जा रही है जो पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। और जाहिर तौर पर ये देखिए, यहाँ पर 543 सीटों को लेकर के एनडीए 293, यानी कि 300 भी टच अभी एनडीए नहीं कर पा रहा है अभी रुझानों के बाद। बिल्कुल। और इंडिया अलायंस 230, यानी कि ये 295 का नंबर दे रहे थे इंडिया अलायंस के लोग, तो ये कहीं ना कहीं एनडीए अभी 200 से उठकर 230 तक आया है। अब फाइनल जो फिगर्स रिजल्ट की आती हैं कंचन, उसमें यहाँ पर देखना होगा। और अदर्स की भी भूमिका यहाँ पर देखिए, 20 अदर्स हैं, यानी कि 230 यहाँ पर इंडिया अलायंस और एनडीए 293, आप इसी से समझ सकते हैं कि जो सुबह हम 300 350 या भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब यहाँ पर ये जो स्कोर है ये यहाँ पर देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से, ये कांटे के जरिए हम दिखा रहे हैं, इस कांटे से आप अनुमान लगा लीजिए, देखिए जितना आपको भगवा दिख रहा है, ये जो लाइन है ये सत्ता की लाइन है, 272 ये जादुई आंकड़ा इसको कहा जाता है, और ये जादुई आंकड़ा 272 का है, इसको पार करना, देखिए इसको पार कर चुकी है हालांकि एनडीए इस जादुई आंकड़े को पार कर चुकी है, लेकिन जो 400 पार का जो नारा था आपकी बार 400 पार, वो सत्य होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो स्कोर है, ये 239 का स्कोर आपके देखिए, क्योंकि आपको 272 चाहिए और आप अब अपने दम पर सत्ता नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 239, ये हमारे साथ जो एनालिस्ट है ये भी इस बात को मानेंगे कि 272 का स्कोर अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप लेती तो उसको किसी और की जरूरत नहीं होती, यानी कि अपने दम पे उसके पास सत्ता होती। कांग्रेस यहाँ पर 95, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को विपक्ष में एक और ग्राफिक दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, हम देखिए इस ग्राफिक से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, साफ अंकों में आप देख सकते हैं कि एनडीए इस समय जो रुझान आ रहे हैं उसमें 293 और 250, मतलब 250 के नजदीक, मतलब सिद्धू मूसेवाला का गाना, राहुल गांधी ने जो शब्द उसके दोहराए थे उसी के नजदीक जाते हुए, कंचन 80 सीटें जिसको लेकर के हर कोई अपना प्रेडिक्शन कर रहा था, एग्जिट पोल में कुछ और तस्वीर थी, लेकिन एनडीए 38 और सबसे बड़ी बात यह है कि 41 देखिए आप, यानी कि एनडीए से ज्यादा इंडिया अलायंस की जो सीटें हैं या बढ़त जो रुझान है भी वो एनडीए से ज्यादा है। ये यहां पर जानकार अनुपम जानकार यही कह रहे हैं कि अब समय आगे कितना ही लगे, ज्यादा बड़ा बदलाव होते फिगर्स आ गई है। बीजेपी जो है वो 36, आरएलडी क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल ने दो सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, और एसपी 0-0। और आज ही सुबह एक विवादित बयान भी ओपी राजभर ने दिया है मुसलमानों को लेकर, ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है अगर ये रुझान
नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो वाकई में अद्भुत कह सकते हैं आप। 2014-2019 भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और साथ के साथ तमाम हमारे खास मेहमान रोहित जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रभात जी भी हमारे साथ है, प्रियंका गुप्ता जी भी और नेहा जी भी लगातार हमारे साथ है। नेहा जी, सबसे पहले क्या रिएक्शन आप देंगी, जो स्कोर है अभी टैली पर वो स्कोर यहां पर बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 236 पर है, यानी कि 272 का जादुई आंकड़ा एनडीए तो पार करता हुआ दिख रहा है लेकिन बीजेपी अपने दम पर पार करती हुई नहीं दिख रही है। नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए, मैं ये कहूंगी कि किसी भी चुनाव में आप सब मंझे हुए पत्रकारों के साथ मैं बात कर रही हूँ।